हे गेमर्स, तो कैसे हो भाई लोग, क्या हाल आप सबके। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिजमय और पबजी मोबाइल के अंदर 2.0 का अपडेट कब आने वाला है और कौन कौन से फीचर्स के साथ आने वाला है और क्या क्या न्यू आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को इंड तक देखते रहना एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस। एवरी स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2.0 के अपडेट में क्या न्यू आने वाला है, उसके बाद रिलीज डेट बताऊंगा। तो अभी मैं चेयरपार्क में आ चुका हूँ और इसमें आने के बाद एक न्यू लोकेशन देखने को मिली है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड ऐड किया गया है जिसमें आप लोग आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख जाएगी, उसमें आप लोग अपनी टीम के साथ आके यहाँ पे खेल सकते हो और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आते रहते हैं वो सब भी खेल पाएंगे। सभी लोग खेल सकते हो यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर सकते हो। तो फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे भी ऐड हुआ है और लिविक के वाला तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। लिविक में जहाँ पे आपको कॉइन्स मिल जाते हैं गोल करने पर, और यहाँ पे आपको सिर्फ गेम खेल पाओगे, कोई कॉइन वन वाला सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग गोल कर पाओगे अपनी टीम के साथ, सिर्फ एंजॉय कर सकते हो। ये ग्राउंड ऐड हुआ है जो कि आपको चेयरपार्क में देखने को मिल जाएगा 2.0 के अपडेट में बिजमय और पबजी मोबाइल के अंदर। तो ये लोकेशन आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताएगा। ये आपको लिविक के अंदर तो देखने को मिली जा रही थी, उसके साथ साथ चेयर पार्क में भी ये आने वाली है। इसके बाद एक और न्यू चीज आपको देखने को मिलेगी 2.0 के अपडेट में। जैसे कि आप लोग अभी तक अरेना खेलते हैं तो एरेंगल और लिविक में खेल पाते हैं, 2.0 के अपडेट के बाद आप लोग सैनॉक में भी खेल पाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको मैच लगा के दिखाता हूँ। तो अपना जो रॉयल अरेना था जिसमें आप लोग लिविक और एरेंगल के अंदर खेल पाते थे, अब आप लोग सैनॉक के अंदर भी खेल पाएंगे। अलग अलग लोकेशन पे हर बार जोन बनेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपना ये जो अपना पैराडाइज है उसके बगल में लोकेशन जो है वहां पे जोन बना है, शायद से टैटमॉक या फिर जो भी बोलते हैं, इस लोकेशन पे बना है ये वाला जोन। तो ऐसे ही हर बार अलग अलग लोकेशन पे जोन बनेगा और वहां पे आप लोग फाइट कर पाओगे रॉयल अरेना के अंदर, इसको टैटमॉक ही बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस लोकेशन पे बना है, इसी तरह से अलग अलग लोकेशन पे हर बार रॉयल अरेना का जोन बनेगा और आप लोग सैनॉक में भी 2.0 के अपडेट में रॉयल अरेना खेल पाएंगे। तो आपको ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएगा। अभी तक लिविक और एरेंगल में तो हम सब एंजॉय कर ही पा रहे थे, वहां पे प्रैक्टिस भी कर पा रहे थे, क्योंकि जो लास्ट जोन होता है वैसा ही कुछ फील होता है इस वाले मैच को खेल के, सेम वैसा ही अब सैनॉक में भी फील करने के आपको मिल जाएगा, आप लोग वैसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ऐड दिख जाएगी 2.0 के अपडेट में बिजमय और पबजी मोबाइल के अंदर। एंड इसके बाद फर्स्ट एनिवर्सरी क्रेट आपको दिखा देता हूँ जो कि बिजमय के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी जल्द ही। तो आप लोग देख सकते हैं उसमें एक हेलमेट की स्किन ये वाली आने वाली है, उसके बाद एक बैकपैक दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं ये वाला बैकपैक आने वाला है, उसके बाद एक हेडगियर दिख रहा है ब्लू कलर का वो भी आपको दिखा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं उसका हेडगियर और इसका जो सेट है वो भी आप लोग देख सकते हैं, सेट के साथ काफी सही लग रहा है। एक ये आउटफिट आपको देखने को मिल जाएगी, उसके साथ साथ एक कार 98 की स्किन जो कि आप लोग देख सकते हैं ठीक ठाक लग रही है, उसके बाद एक आउटफिट ये वाली एंड उसके बाद एक मिथिक आउटफिट भी आने वाली है ये वाली। तो ये मिथिक आउटफिट मुझे काफी सही लगती है, उसके बाद ये वाली मिथिक भी आउटफिट है, दोनों के कलर सिर्फ चेंज है। उसके बाद ये तो आपको फ्री में मिलेगा जो कि जल्द ही आपको मिल जाएगा अपने ये जो ट्रेल होता है। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये वाली आउटफिट भी आने वाली है फर्स्ट एनिवर्सरी क्रेट के अंदर, उसके बाद ये वाली आउटफिट, उसके बाद ये व्हाइट कलर वाली आउटफिट जो कि बहुत ही सिंपल सी है, एपिक आउटफिट्स हैं ये। एंड इसके बाद एक कैप आपको देखने को मिल जाएगी, उसका भी सेट ये कि आप लोग देख सकते हैं नीचे ये वाला शेफ वाला। एंड इसके बाद और भी सेट है, पैराशूट है, बहुत सारी आउटफिट्स हैं। तो ये अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी क्रेट है, इसके दो एक दो आइटम्स मिसिंग है, वो जल्दी लीक्स मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ये सभी चीज़ें आपको फर्स्ट एनिवर्सरी क्रेट के अंदर देखने को मिल जाएंगी जो कि सिर्फ बिजमय के अंदर आएगी, पबजी मोबाइल के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी है अपनी बिजमय की तो उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी क्रेट आएगी। उसके अंदर और भी आइटम आएंगे लेकिन उनके लीक्स नहीं है, इन्हीं की लीक्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक दो आउटफिट्स और आएंगे जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जैसे ही लीक्स मिलेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला हेलमेट आने वाला है, उसके बाद वेक्टर की स्किन भी यहाँ नीचे दिख रही है, ये देखिए एक वेक्टर की स्किन, उसके बाद ऑक की स्किन और कुछ बार और आइटम। तो ये सभी चीज़ें आने वाली हैं 2.0 के अपडेट में जो कि अपना एक न्यू लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी चेयर पार्क में सैनॉक रॉयल अरेना के अंदर आने वाला है जो कि आप लोगों ने देखा। उसके अलावा और भी चीज़ें मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो 2.0 के अपडेट में आने वाली है। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑफिशियल रिलीज डेट, जो अपना 2.0 का अपडेट है वो कब आएगा पबजी मोबाइल के सभी वर्जन में और बिजमय में। तो पबजी मोबाइल के अंदर सभी वर्जन में आने वाला है 11 तारीख से अपडेट, 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे से पबजी मोबाइल के सभी वर्जन्स में अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा और 13 तारीख तक सभी में आ जाएगा। और जो बिजमय के अंदर अपडेट आने वाला है 2.0 का, वो 13 तारीख को आएगा
सुबह 7:30 बजे से शाम तक सभी के में आ जाएगा। तो सुबह 7:30 बजे से आपको 13 तारीख को अपडेट देखने को मिल जाएगा और शाम तक आप सभी लोग अपडेट कर पाएंगे। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो पे एक लाइक कर दो। अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, तभी आपके पास आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आपसे कोई भी अपडेट या वीडियो मिस नहीं होगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अब अगर तुम लोग उन खूबसूरत प्राणी में से एक हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे विमल थूको या रजनीकंदा, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।